बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है ग़ुलाम दस्तगीर और आप देख रहे हैं दस्तगीर टेक स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन लाइट सेल के बारे में। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले उन लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जाके मेरा यूट्यूब चैनल दस्तगीर टेक स्टूडियो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो चले सबसे पहले उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोगों ने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का जो डैशबोर्ड है उस पर आप लोगों ने लॉगिन कर लेना। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोग इस पर अकाउंट क्रिएट कर लें। तो उसके बाद आप लोगों ने चले जाना अकाउंट लॉगिन या क्रिएट करने के बाद, साइनअप करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने चले जाना सर्विसेज पे। सर्विसेज पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है लाइट सेल। तो लाइट सेल ये आप लोग देख सकते हैं कंप्यूट की ऑप्शन और कैटेगरी है कंप्यूट और उसके नीचे सब कैटेगरी है लाइट सेल। तो आप लोग लाइट सेल पर क्लिक करेंगे, लाइट सेल पर क्लिक करेंगे। लाइट सेल पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये गुड इवनिंग, तो ये शाम का वक्त है। तो आप लोग देख सकते हैं 7 PM हो चुके हैं मेरे पास। तो उसके बाद ये ट्यूटोरियल है। तो आज की इस वीडियो में हम लॉन्च करेंगे लैम्प इंस्टेंस इन अमेज़ॉन लाइट सेल पे। तो इसके साथ हम लोग लैम्प इंस्टॉल करने के बाद आप लोग हम लोग इस पे DNS मैनेजमेंट के जरिए इस पे डोमेन भी अटैच करेंगे और स्टैटिक IP भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये कुछ स्टेप आप लोग देख सकते हैं, ये टोटल 6 स्टेप हैं। तो 6 स्टेप, पहले स्टेप में उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप मैंने कर लिया। उसके बाद आप लोग वो कह रहे हैं क्रिएट अ लैम्प इंस्टेंस इन लाइट सेल। तो उसके बाद लैम्प इंस्टेंस आप लोगों ने क्रिएट करना है इन लाइट सेल पे। उसके बाद कनेक्ट योर इंस्टेंस वाया SSH एंड गेट द एप्लीकेशन पासवर्ड फॉर योर लैम्प इंस्टेंस। तो यहाँ पे ये Step 3 है। उसके बाद Step 4 है इंस्टॉल एन एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ योर लैम्प इंस्टेंस। उसके बाद Step 5 है कैटेगरी लाइट सेल स्टैटिक IP एड्रेस एंड अटैच इट टू योर लैम्प इंस्टेंस। और उसके बाद Step 6 है क्रिएट अ लैम्प लाइट सेल DNS जोन एंड मैप अ डोमेन टू योर लैम्प इंस्टेंस। सो आप लोग देख सकते हैं ये टोटल 6 स्टेप है और इन स्टेप के जरिए हम लोग लैम्प इंस्टॉल करेंगे लाइट सेल अमेज़ॉन लाइट सेल पे। तो सबसे पहले साइन अप कर लिया या लॉग इन कर लिया और उसके बाद आप लोगों ने आने कंप्यूट के नीचे लाइट सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस पे क्लिक करना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ये देखिए क्रिएट अ लैम्प इंस्टेंस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2nd स्टेप है हमारा। तो यहाँ से क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करना है आप लोगों ने। क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने इंस्टेंस लोकेशन सेलेक्ट करनी है। तो मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, तो मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी लोकेशन तो मैं यहाँ से मुंबई ही रहने देता हूँ। और अगर आप लोग तो यहाँ पे मेरा रीजन है सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से मैं मुंबई ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मुंबई सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद चेंज योर अवेलेबिलिटी जोन। तो यहाँ पे आप लोग Zone A ही रहने दीजिए। और उसके बाद आप लोगों ने सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप लोग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग लिनक्स इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, लिनक्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो लिनक्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सेलेक्ट अ ब्लूप्रिंट। तो आप लोगों ने ब्लूप्रिंट इंस्टॉल सेलेक्ट करना, मतलब कि OS कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद ये OS ओनली है और उसके बाद ये ऐप प्लस OS है। तो यहाँ से आप लोग वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये बिटनामी की वर्डप्रेस है। तो
तो आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस मल्टी साइट, अगर आपके अगर आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप मल्टी साइट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस पे, तो आप लोग ये फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इंस्टॉल करने वाले लैम्प, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे लैम्प। लैम्प सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये सी पैनल भी, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं आके। तो ये लैम्प है सर्टिफाइड बाय बिटनामी, तो ये बिटनामी से सर्टिफाइड है। तो यहाँ से जाके हम मोर इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ऐड अ लॉन्च, आप लोग लॉन्च स्क्रिप्ट, यहाँ पे अपना कोड आप लोगों के पास अगर है तो, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो, अगर आप बिगनर हैं तो इसे लीव कर दें, ऐसे छोड़ दें, ऑप्शनल है वैसे भी। तो उसके बाद चेंज एसएसएस की, तो अगर आप लोगों के पास एसएसएस की है तो ठीक है, अदरवाइज ये डिफॉल्ट है हमारे पास एसएस की, ये आप लोग देख सकते हैं लाइफ सेल की डिफॉल्ट एसएसएस की है। तो यहाँ से आप लोग क्रिएट भी न्यू कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं हम लोग क्रिएट अ न्यू एसएस की करने की, एक न्यू क्रिएट करने की। तो यहाँ पे उस पर क्लिक करना, क्रिएट नाउ पे न्यू पे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना और यहाँ पे आप लोगों ने की पेयर नेम देना। तो मैं इंस्टॉल करने वाला लैम्प, तो मैं यहाँ पे नया नाम दे देता हूँ लैम्प का, और उसके बाद जनरेट की पेयर पे क्लिक कर दिया जी। तो ये कह रहे हैं यू कैन ओनली डाउनलोड दिस प्राइवेट की वंस, तो यहाँ पे आप लोगों को वो बता रहे हैं कि ये जो की पेयर जनरेट हुई है वो आप लोग एक ही दफ़ा डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसके बाद ये आप लोगों को डाउनलोड करने नहीं देंगे। तो इसे आप किसी प्राइवेट प्लेस पे या किसी आप लोग अच्छी जगह पे महफूज कर लें जहाँ से आप लोगों से ये गुम ना हो या डैल ना हो। तो डाउनलोड की पे क्लिक करना आप लोगों ने, तो ये हमारे पास .pem की डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग ये कह रहा है ऑटोमेटिक स्नैपशॉट क्रिएट अ बैकअप इमेज ऑफ योर इंस्टेंस एंड अटैच डिस्क ऑन अ डेली शेड्यूल, अगर आप लोग डेली बेसिस पे बैकअप लेना चाहते हैं तो यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे लीव छोड़ सकते हैं, लीव खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो उसके बाद चूज योर इंस्टेंस प्लान, यहाँ से आप लोग इंस्टेंस प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मंथली है $3.5, तो इसमें आप लोगों को 512 MB रैम मिलेगी और उसके बाद 1 CPU मिलेगा और उसके बाद 20 GB SSD स्पेस मिलेगी, 512 GB डिस्क स्पेस मिलेगी आप लोगों को। यहाँ से मेमोरी आप लोग चेक कर सकते हैं, 32 GB न्यू साइज, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसफर। सो प्राइस पर मंथ आप लोग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जिस हिसाब से आप लोगों को चाहिए। तो ये मंथली बेसिस पे है, तो फर्स्ट मंथ फ्री है, तो मैं ये सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ से आप लोग आइडेंटिफाई योर इंस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप लोगों को नाम इजी लगे यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैंने ये डिफॉल्ट ही लिखा हुआ, तो मैं यही रहने देता हूँ। और उसके बाद आप लोग ने जाना है, आ जाना है की ओनली टैग्स, तो ऐड न्यू टैग आप लोग ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड टैग कर देता हूँ लैम्प, और की वैल्यू टैग यूज कर लेते हैं हम लोग लैम्प। सो ये हमें कह रहा है कि सेम है, तो AWS लैम्प कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू दे देते लैम्प। ओके, तो ये आप लोग कंप्लीट प्रोसेस देख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग ट्यूटोरियल में देख सकते हैं उन्होंने क्या क्या हमें बताया, ये यहाँ पे लैम्प सेलेक्ट करना है आप लोगों ने, उसके बाद ये आप लोगों ने सेलेक्ट करना है नेम, इंस्टेंस नेम, और यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं टैग्स। और उसके बाद स्टेप 3 आ जाता है हमारे पास। स्टेप 3 पे जाने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करना होगा।
तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये लैंप हमारे पास हो चुका, बन चुका है, लैंप इंस्टॉल हो चुका है। बेसिकली ये हमारे पास अभी पेंडिंग है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये रेडी हो जाएगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये रनिंग हो चुका है हमारे पास। तो ये इसका आईपी एड्रेस है, तो अभी हम इसका आईपी एड्रेस भी चेंज करेंगे, स्टैटिक आईपी एड्रेस चेंज, स्टैटिक आईपी इसके साथ अटैच करेंगे और साथ इसके डोमेन भी ऐड करेंगे। तो लैंप इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह इस पे हम लोग साइबर पैनल, एए पैनल और मुख्तलिफ पैनल हम किस तरह इस पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये एक सीरीज मैं बनाने लगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो मिलती रहे, और घंटी के बटन को भी दबा लीजिए, ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप लोगों को मिल जाए। तो ये हमारे पास रनिंग है, और उसके बाद आप लोगों ने ये आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है, टर्मिनल, टर्मिनल पे क्लिक करना है आप लोगों ने। अगर आप लोग यहाँ से नहीं यूज करना चाह रहे हैं, ये देखिए ये हमारे हमें कह रहा है Login failed. If this instance has just started up, try again in a minute or two. So यहाँ से आप लोगों को one or two मिनट आप लोगों को वेट करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आप लोग वेट कीजिए। अगर आप लोग विंडो यूजर हैं तो आप लोग पुटी सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ पे टर्मिनल यूज करना चाह रहे हैं तो आप लोग टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये रेडी हो चुका है, ये देखिए हमारे पास ये रेडी हो चुका है। तो इसके बाद आप लोगों ने चले जाना है, ये देखें, कनेक्ट योर इंस्टेंस वाया SSH एंड गेट द एप्लीकेशन पासवर्ड फॉर योर लैंप इंस्टेंस। तो पासवर्ड देखने के लिए हमें ये कमांड रन करनी होगी, कॉपी कीजिए ये कमांड, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने इस कमांड को टर्मिनल पे पेस्ट करना आके। तो ये हमारा पासवर्ड है रूट का, तो इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। ये मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे इसका यूजर नेम है रूट, the program root is currently not installed, you can install it by typing sudo apt install root system.bin। so आप लोग इसके बाद देख सकते हैं ये हो गया, उसके बाद install an application on top of your lamp instance, ये हम लोग बाद में देखते हैं किस तरह हमने इसे root के जरिए इसे use करना, उसके बाद जो process है वो देख लेते हैं पहले। इंस्टॉल एन एप्लीकेशन वो नेक्स्ट हम देखेंगे, जब हम लोग इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे या कोई पैनल इंस्टॉल करेंगे, तब हम देखेंगे कि किस तरह हमने इस पर लॉगिन करना है। तो उसके बाद क्रिएट इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ योर लैंप इंस्टेंस, तो ये इसकी डायरेक्टरी है। तो उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है स्टेप फाइव पे, फोर आप लोगों ने छोड़ देना और फाइव पे चले जाना है, क्रिएट अ लाइव शेल स्टैटिक आईपी एड्रेस। सो हम लोग इसके साथ अब स्टैटिक आईपी एड्रेस क्रिएट करेंगे। नेटवर्किंग पे आ जाना आप लोगों ने, नेटवर्किंग पे आने के बाद ये लोग ये देख सकते हैं स्टैटिक आईपी, स्टैटिक आईपी इज अ फिक्स्ड पब्लिक आईपी एड्रेस दैट यू कैन अटैच टू एन इंस्टेंस। So, तो आप लोग यहाँ से लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, डीएनएस यू जोन भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है हमारा वो क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से हम इंस्टेंस सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो जो आप लोगों ने नाम दिया इंस्टेंस को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा इंस्टेंस सेलेक्ट हो चुका है, और उसके बाद Identify your static IP. Your light shell sources must have unique numbers.
तो ये आप लोगों ने यूनिक नंबर देना स्टैटिक आईपी 1, तो मैं इसे 1 ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट पे क्लिक कर देना। सो ये पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस है। द स्टैटिक आईपी इज अवेलेबल फॉर पब्लिक कनेक्शन वर्ल्ड वाइड। सो ये हमारे पास स्टैटिक आईपी जनरेट हो चुका है। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी अलग अलग। पब्लिक आईपी उसने क्रिएट कर दिया। ये देखिए स्टेप बता रहा, क्रिएट अ लास्ट स्टेट डीएनएस जोन। तो अब हम लोग डीएनएस जोन सेट करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं। तो डीएनएस जोन क्रिएट करने के लिए आप लोगों को जाना होगा बैक। नेटवर्किंग पे अगेन आइए और उसके बाद क्रिएट अ डीएनएस जोन पे क्लिक कीजिए। सो यहाँ पे आप लोगों ने डालनी है अपनी डोमेन। सो यहाँ से आप लोगों ने अपनी डोमेन परचेज की है, वो तो वो वेबसाइट ओपन कर लीजिए। मैंने बाय की है नेम चिप से, पहले मैंने डोमेन मेरे पास अवेलेबल है वही मैं इसके साथ अटैच करने वाला हूँ। तो आप लोगों ने, अगर आप लोगों के पास डोमेन नहीं है तो आप लोग डोमेन परचेज कर लीजिए एक। ओके, उसके बाद आप लोगों ने मैनेज पे चले जाना। यहां से डोमेन एंड डोमेन नेम कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना डोमेन नेम। सो आइडेंटिफाई योर डीएनएस जोन। तो आइडेंटिफाई यहाँ से आप लोग की ओनली टैग्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, की वैल्यू टैग्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप लोग अगर लीव कर छोड़ना चाह रहे हैं तो लीव भी कर सकते हैं, लीव भी कर। तो मैं इसे लीव ही छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद आप लोगों ने ये देख लेना अपनी सेटिंग, और उसके बाद क्रिएट डीएनएस जोन पे क्लिक कर देना आप लोगों ने। सो ये नेम सर्वर आप लोगों ने पुट कर देने, कॉपी कर लीजिए एक एक करके। और आप लोगों ने अपना ओपन कर लेनी है जहां से आप लोगों ने डोमेन परचेज की है। ये आप लोग देख सकते हैं नेम सर्वर्स। सो ये नेम सर्वर्स आप लोगों ने पुट करने हैं जहां से आप लोगों ने डोमेन परचेज की है। ये 1 है, टोटल हमारे पास 4 है। तो उसके बाद सेकंड कर लीजिए। तो ये एक एक करके आप लोग यहाँ पे पुट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे टिक का निशान है, सेव कर लीजिए इस पर क्लिक करके। तो ये हमारे पास डीएनएस सेव हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें ये 48 आवर्स कह रहा है मुकम्मल प्रोपगेशन होने के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मोस्टली ये इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन मे भी अगर आप ये टाइम ले ले तो ऑलरेडी ये मेरी वेबसाइट किसी और डोमेन के साथ, किसी और होस्टिंग के साथ अटैच थी, तो वहाँ से ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिए, इसके नेम सर्वर चेंज कर दिए। तो अगेन हम लोग चेक करते हैं, मेरी वेबसाइट है dastgeek.studio। ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट है।
ये अभी हमें हमारे पास प्रोपोजिशन कंप्लीट नहीं हुई, जब हुई तो ये हमारे पास खड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों ने यू हैव नो रिकॉर्ड फॉर दिस, तो यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड्स कर रहा हूँ, इंटर द कंप्लीट डोमेन नेम हेलो डॉट, ये सब डोमेन के लिए अगर आप लोग सब डोमेन यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ए रिकॉर्ड ए रिकॉर्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एसोसिएट योर डोमेन और सब डोमेन विद एन आईपी एड्रेस। सो ये आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये नेम सर्वर आफ्टर मैनेजमेंट ऑफ योर डोमेन्स डीएनएस रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स आर ट्रांसफर लाइक से एड ए रिकॉर्ड पॉइंट द अपेक्स ऑफ योर डोमेन टू योर लैंप इंस्टेंस एज फॉलोज। इन द डीएनएस ज़ोन फॉर योर डोमेन चूज एड रिकॉर्ड्स, इन द सब डोमेन बॉक्स एंटर अ एंड एट द रेट ऑफ सिंबल टू मैप ओके अपेक्स ऑफ योर डोमेन सच एज एग्जाम्पल इंस्टेंस सो symbolize that you are adding an apex record record it is not added as a subdomain. In the maps to box choose the static IP that you attach to the LAMP instance. In the previous step of this tutorial choose the save icon. सो यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि आप लोग ए रिकॉर्ड क्रिएट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग एट द रेट ऑफ सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप लोगों ने जो आप लोगों का आईपीएफ जो आप लोगों ने जनरेट किया है स्टैटिक आईपी वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारा स्टैटिक आईपी 1 है तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने इसे सेव कर देना है, ये हमारे पास सेव हो जाएगा। ये आप देखते हैं आप लोग, ये हमारे पास सेव हो चुका है। तो ये अभी प्रोपगेशन करने में हमें कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये हमारी प्रोपगेशन कंप्लीट हो जाएगी और हमारी डोमेन इसके साथ ऐड हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं ये हमारे पास अभी ऐड हुई या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन लैम्प, यू आर नाउ रनिंग वियतनामी लैम्प 7.3.15-0 इन द क्लाउड। सो यहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं माई पी एच पी माई एडमिन, ये देखें ये हमें लिया है यहाँ पे, किस तरह हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं पी एच पी माई एडमिन को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम लोग इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं साइबर पैनल और ए पैनल और उसके बाद वर्डप्रेस। सो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।